वही लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड पर आ गई हैं। इसी क्रम में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की महारैली होगी। इसमें रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस रैली में इंडिया ब्लॉक के 13 सहयोगी दल भी शामिल होंगे। रैली में इंडिया ब्लॉक का बैनर लगा होगा, इस पर तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लिखा होगा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रैली की परमिशन दे दी है। इसमें पुलिस ने 20,000 लोगों के जुटने की अनुमति दी है। इसकी अवधि 5.5 घंटे की होगी। साथ ही यह रैली 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगी। इसके लिए रामलीला मैदान में लाउडस्पीकर के साथ रैली को तमाम नेता संबोधित भी कर सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद महारैली करने की योजना बनाई गई थी, तो वहीं आज आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और दिलीप पांडे ने रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया ब्लॉक की महारैली की तैयारियों को निरीक्षण किया। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है, उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। और सभी लोग मिलकर के जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। इंडिया जनबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं, और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि ये एक पार्टी की रैली है, एक व्यक्ति की रैली। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता को पसंद नहीं कर रही है। ये सारे के सारे नेता जाके इकट्ठे होकर भाषण देते हैं और जब राज्यों में जाते हैं एक दूसरे की बुराई करने का काम करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। साफ साफ जाहिर है, जनता को बेवकूफ समझते हैं और जनता सब जानती है।